नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल दोस्त में मैं आयुष आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोटर की नेम प्लेट के ऊपर। तो दोस्तों, मैंने ये मोटर की जो नेम प्लेट है, ये सब मोटर्स के ऊपर दोस्तों क्या होता है, कोई मोटर के नेम प्लेट के ऊपर कुछ चीजें होती है, कोई डिटेल नहीं होती। तो दोस्तों, मैंने सारी मोटर के ऊपर नेम प्लेट की डिटेल सारी कलेक्ट करके और एक अच्छी नेम प्लेट को बनाया, ताकि इस वीडियो के अंदर आप सारा पूरा डिटेल में समझ जाओगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहता हूं कि आप प्लीज इस वीडियो को पसंद आए तो आप बाद में लाइक और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये दोस्तों, सबसे पहले जो ऊपर ये लिखा हुआ है, यहां से स्टार्ट करके मैं एंड तक पूरा यहां तक बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले है ये जो ऊपर भारत बिजली लिमिटेड PB100 थाने इंडिया, ये तो है दोस्तों हमारा मैन्युफैक्चर नेम है, ठीक है। हर कंपनी का अलग अलग मैन्युफैक्चर जिसने बनाया उसका नाम है। थ्री फेज SQ केज इंडक्शन मोटर, ठीक है। थ्री फेज स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर, यानी जो इंडक्शन मोटर के अंदर स्क्वायर गेज है, स्क्वायर गेज के अंदर थ्री फेज का स्क्वायर गेज मोटर है, ठीक है। ये मेड इन इंडिया है। REF, यानी इसका ये REF का मतलब होता है रेफरेंस नंबर जो है, ये इंडियन स्टैंडर्ड IS मतलब इंडियन स्टैंडर्ड 325 को, इंडियन स्टैंडर्ड 325 को फॉलो करते हुए इस मोटर को डिजाइन किया गया, इस मोटर को बनाया गया है, ठीक है। इसके आगे हम यहां से लेके चलते हैं पूरा, फिर इसको लेके चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले किलोवाट पे बात करते हैं। तो दोस्तों, किलोवाट जो है, किलोवाट आपको पता है कि भी पावर होती है किलोवाट। तो दोस्तों, ये 37 किलोवाट की मोटर है। इस किलोवाट को हम एचपी में कन्वर्ट करने के लिए 37 को हम 1.34 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा HP आ जाएगा। दोस्तों, ये जो पोल्स है, ये हमारी मोटर के पोल्स है। दोस्तों, पोल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मोटर के, क्योंकि पोल्स हमारे डिपेंड करते हैं RPM से, ठीक है। ये RPM और पोल्स का आपस में डिपेंड होता है। RPM जितने कम होंगे उतने हमारे पोल्स ज्यादा होंगे। दोस्तों, सबसे कम जो पोल्स होते हैं वो हमारे दो ही होते हैं। तो दोस्तों, ये दो पोल्स की मोटर है और सबसे ज्यादा RPM हमारे यही होते हैं, 3000 RPM, ठीक है। तो दोस्तों, ये 3000 RPM की मोटर है, नंबर ऑफ पोल्स इसमें दो है, ठीक है। ये हमारा मैन्युफैक्चर डिजाइन करता है, ठीक है। इसके आगे जो है दोस्तों, फ्रेम साइज है कि फ्रेम कौन सी है। तो दोस्तों, फ्रेम है इसकी 200L, ठीक है। मॉडल नंबर हमारा कंपनी डिजाइन करती है, तो मॉडल नंबर को हम छोड़ देते हैं कि मॉडल क्या कंपनी क्या देगी इसको। आगे बात करते हैं दोस्तों हमारी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी जो होता है हमारी मोटर के अंदर, हम कितनी फ्रीक्वेंसी देंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये ऑपरेट होगी। तो दोस्तों, इसमें 50 Hz फ्रीक्वेंसी देंगे, प्लस माइनस 5% इसमें वेरिएशन चल सकता है, इससे ज्यादा हम नहीं देंगे। इसके बाद में दोस्तों, IP की बात करें, यहाँ पर दोस्तों मैंने IP55 अधिकतर मोटरों पर होता है, पर मैंने यहाँ पे IP54 लिया, ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन कम हो। तो दोस्तों, ये IP55 54, ये है क्या? तो दोस्तों, ये जो पहली जो संख्या होती है, इसके अंदर दो चीजें लिखी हुई है। ये 5 55 नहीं है दोस्तों, ये 5 और 5 है, ये अलग अलग होता है, ये 5 और 4 है, अलग अलग है। IP का मतलब होता है इंक्रीज प्रोटेक्शन। तो दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, वो ऊपर आपके आई करके बटन मिल जाएगा, या इसी वीडियो में मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो आगे की जो संख्या है ना, ये हमको देती है सॉलिड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, मतलब हमारी जो मोटर है वो मिट्टी के अगेंस्ट या किसी भी चीज के अगेंस्ट कितनी प्रोटेक्शन दे रही है उसके अंदर हमारा, यानी मिट्टी चले तो नहीं जाएगी आसानी से, वो हमारा आगे की संख्या बताती है। और पीछे की जो संख्या है वो बताती है हमारा इसके अंदर जो पानी है, लिक्विड है, वो हमारा किस हद तक इसमें पानी से प्रोटेक्शन है। दोस्तों, पानी की जो होती है वो 8 तक होता है संख्या। तो दोस्तों, ये 4 नंबर पे, इसमें हमारी जो बूंद बूंद जो पानी गिरेगी उससे हमारी मोटर कोई नुकसान होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। ये मोटर वाटरप्रूफ नहीं है। जो वाटरप्रूफ मोटर होती है उसके अंदर लास्ट की जो संख्या है उस पर 8 होता है, इस 4 की जगह 8 होगा, ठीक है। इसके आगे दोस्तों, इंसुलेशन क्लास है, ये गलती से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था यहाँ पे लिखते टाइम। तो दोस्तों, इंसुलेशन क्लास है ये। तो दोस्तों, इंसुलेशन क्लास जो होती है वो हमारी बहुत टाइप की होती है। इसमें होती है A होती है, B होती है, F होती है और H होती है। दोस्तों, ये जो है ये F है, ठीक है। ये इंसुलेशन क्लास है दोस्तों, F टाइप की इंसुलेशन क्लास है, मतलब इसकी जो वाइंडिंग है ये हमारे 155 डिग्री सेल्सियस तक हमारे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बर्न नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा जो A इंसुलेशन जो होती है उसके अंदर 105 डिग्री होता है, B इंसुलेशन जो होती है उसके अंदर 130 डिग्री होता है, F इंसुलेशन के अंदर 155 और H इंसुलेशन के अंदर हमारा 180 डिग्री सेल्सियस तक हमारी मोटर के कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। इसके बाद में है दोस्तों एम्बाइट, AMB, इसका मतलब होता है एम्बाइंट टेम्परेचर। एम्बाइंट टेम्परेचर दोस्तों होता है हमारा, जो हमारी जो मोटर है, हम जैसे एक हॉल के अंदर या एक रूम के अंदर जहां पे भी उस मोटर को चला रहे हैं, उसका टेम्परेचर हमको 40 डिग्री सेल्सियस हमको मेंटेन रखना चाहिए, तभी मोटर हमारी अच्छी एफिशिएंसी, अच्छी लाइफ के लिए सुटेबल रहेगी, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों, रेटिंग जो है ये S1 ड्यूटी की मोटर है। दोस्तों, इसके अलावा S1 होती है, S2 होती है, S3 होती है, S6 होती है, ऐसे कुछ टाइप की मोटर और आती है। जो S1 जो ड्यूटी मोटर है,
S1 ड्यूटी जो मोटर होती है दोस्तों, ये एक बार इसको बार बार हम बंद चालू नहीं कर सकते। ये मोटर जो है बार बार बंद चालू होने के लिए नहीं बनी होती है, ये होती है कंटिन्यूसली रनिंग मोटर। इसके अलावा जो S2 होती है वो शॉर्ट टाइम ड्यूटी मोटर होती है। ऐसे अलग अलग मोटर होती है, उसकी अलग अलग ड्यूटी होती है। तो दोस्तों S1 ड्यूटी जो मोटर होती है वो हम लंबे समय तक, एक बार स्टार्ट कर दी और बहुत लंबे समय तक उसको चला सकता है। इसके आगे जो है डेट है, ये मैन्युफैक्चरर ने कब इस मोटर को डिजाइन किया है उसकी डेट है। इसके बाद में RPM है, यानी RPM जो हमारा जो मोटर का जो रोटर है ये 1 मिनट के अंदर, जैसे इस जगह इसका स्टार्टिंग है तो ये 1 सेकंड में कितनी बार चक्कर काट रहा है, तो 1 मिनट के अंदर जितने चक्कर काट रहा है उसको कहते हैं RPM, रेवुलेशन पर मिनट। तो दोस्तों 2945 RPM की मोटर है। हमको RPM किसी मोटर का चेक करने के लिए टेक्नोमीटर का यूज होता है, उसके ऊपर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। RPM और पोल्स का आपस में रिलेशन होता है, जितने नंबर ऑफ पोल्स कम होंगे उतने RPM ज्यादा होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आगे है फुल लोड एफिशिएंसी, FL एफिशिएंसी, फुल लोड एफिशिएंसी यानी मोटर की एफिशिएंसी कितनी है। तो दोस्तों इस मोटर की जो एफिशिएंसी है 92.7 एफिशिएंसी है। ये दोस्तों ज्यादा कर इस किसी भी मोटर की इतनी एफिशिएंसी नहीं होती है। ये मोटर जो है ये है बहुत दोस्तों हाई एफिशिएंसी मोटर है, ये बहुत ही कम मोटरों की इतनी एफिशिएंसी होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ हाई एफिशिएंसी मोटर, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आगे है वोल्टेज। तो दोस्तों इसके अंदर वोल्टेज कितने देंगे, तो दोस्तों इसके अंदर जो वोल्टेज है 415 वोल्टेज है और 380 से लेकर 440 वोल्ट के बीच में हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास स्टेबलाइजर है तो हम इसको 415 वोल्टेज देंगे तो ज्यादा ये अच्छी एफिशिएंसी के साथ मोटर रन होगी। इसके बाद में दोस्तों एम्पियर है। तो दोस्तों मैंने एम्पियर के ऊपर भी एक वीडियो बनाया कि हम किलोवाट और HP से एम्पियर कैसे निकाले, बहुत ही अच्छी ट्रिक से बताया और बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन बताया, तो दोस्तों उस वीडियो को भी आप देखिएगा, ऊपर आई करके बटन में मिलेगा आपको वो भी। इसके बाद में दोस्तों बेयरिंग नंबर है, ये बेयरिंग नंबर के आगे दोस्तों ये लिखा हुआ एक DE और ODE। दोस्तों इनका मतलब क्या है, तो DE का मतलब होता है, देखो दोस्तों हमारा जो रोटर है, रोटर के दो पार्टीशन होते हैं, दो पार्टीशन मतलब दो एंड होते हैं, एक ये एंड होता है और एक ये एंड होता है। तो दोस्तों जो E का मतलब है एंड है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ये रोटर का एंड है तो ड्राइव एंड मतलब इधर, जैसे हम इधर हमारा मैकेनिकल लोड इधर दे रहे हैं, मतलब इधर हमारी किसी भी चीज को मूवमेंट कर रहा है, तो ये कहलाएगा हमारा ड्राइव एंड। और ODE का मतलब होएगा ऑपोजिट ड्राइव एंड, मतलब इसका ऑपोजिट यानी इस साइड। तो दोस्तों इधर वाला जो बेयरिंग है यानी जिस जगह हम लोड देंगे उस जगह, तो हमारा बेयरिंग नंबर ये है 6312 ZZ बेयरिंग। ZZ बेयरिंग का मतलब होता है दोस्तों, बेयरिंग जो होता है उसके दोनों साइड मेटल की जो होती है वो पत्ती लगी हुई होती है, उसके अंदर जो ग्रीस होता है वो निकलता नहीं है। दोस्तों ये लाइफ बहुत ज्यादा होती है ZZ बेयरिंग की, ठीक है। इसके बाद में ODE अपोजिट ड्राइव साइड बेयरिंग, ठीक है। और दोस्तों ये जो टॉर्क है, टॉर्क एंड टॉर्क है इसका, वह सीरियल नंबर दोस्तों ये बहुत ही काम के है। सीरियल नंबर के अंदर दोस्तों हमारा कभी भी हमारी मोटर कुछ प्रॉब्लम हमारी खराब होती है तो हम इस कंपनी की वेबसाइट पे जाके इस सीरियल नंबर को डालेंगे तो हम इस मोटर को खरीद सकते हैं और यानी इसके बारे में कुछ भी डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हिंदी में इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अपलोड करता ही रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।